हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब नॉइज 0.2 के ऊपर। तो मैं आज आपको बताऊंगा जो एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी आने वाली थी उसमें क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या कारण रहे कि आज आपकी वैकेंसी नहीं आई और एग्ज़ाम पोस्टपोन करनी पड़ी, और आपकी पूरी जानकारी नोटिफिकेशन भी पोस्टपोन करना पड़ा, क्या एसएससी की ऐसी मजबूरी हो गई, पूरी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आप स्किप कर कर देख तो बाद में आप कमेंट में सवाल पूछते रहते हो कि सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और यदि चैनल पर पहली बार हो रहा है एसएससी की प्रिपरेशन या बीएसएफ ट्रेड्समैन सभी सिपाही यानी कि सीआरपीएफ सीआईएसएफ सीएसएफ किसी भी डिफेंस लेवल की भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स सभी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ, क्योंकि हर प्रकार की सभी डिफेंस की भर्तियों की जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको सटीक और सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। अब हम बात करते हैं एसएससी ने ऐसा क्या हुआ, एसएससी ने क्या किया। एसएससी ने पहले आपका 25 मार्च बोला था कि 25 मार्च से आपके एसएससी जीडी ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। फिर कोविड आ गया, कोविड के चक्कर में कि मई का फर्स्ट वीक, ठीक है, चलो बच्चों ने ये मान लिया कि मई के फर्स्ट वीक में हमारा फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, कम से कम फॉर्म तो भरे जाएँ। पर एसएससी ने आज क्या नोटिस डाला, उसमें नोटिस में साफ साफ लिखा गया कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी गई। तो एसएससी यदि आपको एग्ज़ाम पोस्टपोन ही करनी थी तो आपने फर्स्ट वीक मई का फर्स्ट वीक क्यों चुना, उसी दिन डाल देते कि हमारी आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी जा रही है। ये सब एसएससी का खिलवाड़ है। यदि नोटिफिकेशन तैयार नहीं था तो उनको कैसे पता चला कि मई के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन तैयार हो जाएगा। नोटिफिकेशन बिल्कुल तैयार है, केवल एसएससी ये भर्ती को लेट करना चाहती है, यही कारण है एसएससी का। ये एसएससी बच्चों के साथ ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है। हाँ कोविड चल रहा है, कोविड के अंदर फॉर्म तो ऑनलाइन हो सकते थे, बच्चों के सभी के पास मोबाइल है, सभी मोबाइल से ऑनलाइन कर सकते थे, कंप्यूटर से ऑनलाइन कर सकते, किसी पड़ोसी से घर जाके ऑनलाइन कर सकते थे, पर ये नहीं कि ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन फॉर्म तो करवाने चाहिए था। तो ऑनलाइन फॉर्म ज़रूर करवाना था आपको, पर एसएससी ने क्या किया, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए इन्होंने ऑनलाइन फॉर्म के लिए भी इन्होंने अब एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सभी को पोस्टपोन कर दिया एक साथ। हाँ आपकी एग्ज़ाम भी अभी पोस्टपोन हो चुकी है, 2 अगस्त से आपकी एग्ज़ाम नहीं होने वाली है, ये भी कन्फर्म है आपके 2 अगस्त को एग्ज़ाम कोई भी सूरत में नहीं हो सकती है। अब आपकी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर या 2022 में होने वाली है, 2021 में आपकी एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ही कम है, बल्कि 2022 में होने की पूरी संभावना है। तो एसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंटों एक बार फिर जाग जाओ, आपके साथ एसएससी बार बार धोखा कर रही है। एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट, 18 साल का मासूम सा बच्चा, उसको ट्विटर नहीं चलाना था, केवल वो सपना होता है कि उसकी जिद होती है कि फौज में जाना, वो क्या कर सकता है एसएससी के सामने। तो एसएससी बहुत ही बड़ा धोखा कर रही है बच्चों के साथ। एसएससी वाले स्टूडेंट एसएससी एक बार फिर सुन ले, यदि ऐसा चलता रहा तो इतना बड़ा आंदोलन खड़े कर देंगे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो प्लीज़ एसएससी वाले स्टूडेंटों के साथ बहुत बड़ा धोखा। अब वो बात रहेगी कि एसएससी जीडी की भर्ती कब तक आ सकती है। तो भाइयों में एरे को जितना अंदाज़ा है कि आपका कोविड आज का जो केस मिल रहे हैं उसके हिसाब से लगता है कि आपका एसएससी का नोटिफिकेशन अभी अप्रैल चल रहा है आपको। अभी आपका मई चल रहा है तो मई में आपके फॉर्म आए नहीं, तो आप सोच सकते हो मई में आपका एसएससी ने आज अभी नोटिस डाल दिया 15 मिनट पहले कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा या आपकी फॉर्म में नहीं भरे जाएंगे। तो मई में आपका कोविड का जब चक्कर चल रहा है, मई जून और जुलाई, और अभी वैज्ञानिक जता रहे हैं कि तीसरा स्टैंड आना बाकी है, तो आप सोच सकते हो जुलाई, यदि जुलाई में कोविड नॉर्मल होता है तो आपके जुलाई से पहले एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन होने की कोई संभावना नहीं है, जुलाई के बाद में आपके फॉर्म ऑनलाइन होंगे। एसएससी वाले बहुत बड़ा एसएससी जीडी के साथ धोखा कर दिया, एक तो आपकी 4 साल 5 साल से वैकेंसी नहीं आई, और फिर अभी ये नोटिफिकेशन डाल रहे हैं कि अभी ये हो जाएगा भाई कुछ नहीं होने वाला। एसएससी का पूरा नोटिफिकेशन तैयार है, तभी तो एसएससी ने बोला था कि क्या नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म नहीं करवा सकते, ऑनलाइन फॉर्म करवाने से एसएससी का कुछ नहीं जाता, पर ऑनलाइन फॉर्म भी एसएससी इस भर्ती को बहुत डिले करना चाहती है, क्योंकि डिले करेगी तो
तो उसको क्या पता क्या मिलने वाला, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके किसी भाई की एज ओवर हो जाएगी, किसी का क्या हो जाएगा। अभी ऑनलाइन फॉर्म हो जाते तो बहुत बच्चों की जिंदगी सुधर जाती। तो मैं बोल रहा हूँ SSC के खिलाफ आपको ट्विटर अभियान चलाना होगा। किसी भी जो बड़े यूट्यूब चैनल है वो भी ध्यान से सुन ले, वो भी इस भाग में ले ले कि अब SSC के खिलाफ ट्विटर अभियान चलाओ। जैसे RRB ग्रुप डी की एग्जाम और NTPC के एग्जाम के लिए हमने चलाया था, उसी प्रकार SSC के खिलाफ भी चलाओगे ना, तब जाके SSC को दिमाग आएगा। SSC बच्चों के साथ सरासर जिंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे कि आप सोच नहीं सकते। या फिर आप ऐसा कर दो ना, सभी पोस्टों के अलग अलग भर्ती निकला दो GD की। SSC को करवाना जरूरी है कि सभी कोर्स अपने लेवल पे भर्ती करवा दी जाए, जैसे 2013 पहले होती थी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, SSC GD वाले स्टूडेंट अभी भी एग्जास्ट हो दो आप, और अभी भी यदि आप एक साथ नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है और आपको कोई नहीं रोक सकता। तो प्लीज़ आपको एक बार फिर बोल रहा हूँ, चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आओ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और कमेंट करो। और मैं ये नहीं कह रहा डिसलाइक करो, यदि डिसलाइक मत करो, डिसलाइक भी जरूर करो। यदि आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक ज़रूर कर दो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लो। SSC वाले GD कैंडिडेटों के लिए एक बार फिर बोल रहा हूँ, SSC GD वाले कैंडिडेट एक बार फिर एक हो जाए। थैंक यू, धन्यवाद।